बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ड्रम स्टिक रेडी हुई है। मैं आपको एक दो दिखाती भी हूँ, आपके सामने एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत डिलीशियस, बहुत जूसी बनी है। आप इसकी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये देख सकते हैं आप, क्या इसका वाइट वाइट सा गोश्त और कितनी जूसी, कितनी मज़े की रेडी हुई है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। बहुत ही डिलीशियस। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और नोट करते हैं ये कैसे बनेंगी इतनी मज़ेदार ड्रम स्टिक। सबसे पहले हम लेग पीस ले लेंगे फ्रेंड्स। आपको अपने फैमिली के लिहाज से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से वॉश कीजिएगा। और अच्छा, इसमें हमने कट नहीं लगाना, लेकिन ना इस तरीके से हमने डीप इस तरह से नाइफ को अंदर डालना है। जैसे आप समझ लें फॉक से हम होल करते हैं, हम अभी फॉक से नहीं कर रहे हैं, मैं नाइफ से कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ब्लड होता है। और जिन लोगों को मसला होता है कि स्किन के साथ उन्होंने चिकन नहीं लेनी या उनके पास अवेलेबल नहीं होती, तो ये देखें बग़ैर स्किन के भी बन सकती है फ्राइड चिकन, और बहुत मज़े की बनती है। तो मैं ये चारों में इस तरह से डीप डीप से कट लगा लूँगी, और आपने भी यही करना है, अंदर तक डीप कट लगाने। डीप कट लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, नहीं 1 टेबल स्पून सॉरी नमक डालेंगे, और इसमें हम सिरका डालेंगे तकरीबन 1/2 कप। तो ये मेथड बहुत ज़रूरी है, अगर आपने लेग पीस अच्छे से बनानी है और आप चाहते हैं बाज़ार वाला टेस्ट आए, तो आपको ये मेथड करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बग़ैर सिरके में आपकी लेग पीस में हमेशा ब्लड आएगा। तो ये देखिए, मैंने जिसमें कट लगा लिया था उनको अच्छे से डिप कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको सिरके वाले पानी में और नमक वाले पानी में डिप करके रखेंगे। तो अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, थोड़ी देर में इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा और ये अंदर तक वाइट हो जाएगी। चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिप करने के बाद। ओके व्यूअर्स, ये देखें हमने अपनी चिकन जिसमें सिरके वाले पानी में जो डुबोई थी हमने निकाल दी है। इसका कलर आप देख रहे होंगे, ये वाइट सा हो गया है, और इसके अंदर से भी ना देखें काफ़ी हद तक ब्लड साफ़ हो चुका है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में ना। तो जिस प्याले में हमने ये भिगोई थी, अब उसी प्याले में हमने दूध ले लेना है रूम टेम्परेचर पर। ये देखें मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन ये दूध है 1 कप के करीब दूध है ये, बल्कि मैं पूरा ही डाल रही हूँ, ठीक है। हमने रूम टेम्परेचर पर लेना है और इस पर थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे बस। तो ये थोड़ा सा बटर मिल्क बन जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमने सिरका ऐड कर दिया है। और चिकन में हमने क्या मैरिनेशन चाहिए हम पहले वो लगा लेंगे, इसको साइड में रख देंगे। तो अब हम इसके अंदर जो है हमने अपने स्पाइस लगा लेने हैं। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है नमक, हस्बे ज़ायका नमक ले लीजिएगा, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, देख लेते हैं चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ में जाएगा इसमें गार्लिक पाउडर एंड जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर इसमें कम जाएगा, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा कम डालेंगे। और गार्लिक पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून बस। ये इन्ग्रीडियंट इसके अंदर चले गए हैं, अब हम इसको अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा बटर मिल्क रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखें आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर आपने गर्म दूध में डाल दिया तो ये फिर पनीर टाइप का बन जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो आपने रूम टेम्परेचर में डालना है, आपको स्पून में दिख रहे होंगे। देखें इस तरह से हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया, और इसकी जो फुल क्रीम मिल्क था तो ये थोड़ा क्रीमी टाइप का इसका टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है जो हमने लेग पीस में लगाए हैं वही डालेंगे, नमक, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जितना जितना मैंने लेग पीस के लिए लिया था, ये जिंजर पाउडर है, और ये गार्लिक पाउडर, उतनी ही चीज़ें डालनी है आपने। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें अपने लेग पीसेस जो हैं
अंदर डाल देंगे। इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, अगर हमने ज़्यादा हिलाया तो जो लेग पीस में मसाला लगा हुआ है वो निकल जाएगा, इसलिए हमने हल्के हाथ से डालना है, ये देखें। और इसको ऐसे आपने बर्तन में लेना है, अच्छे से डिप हो जाए, ये देखें अच्छे से डिप हो गई है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए पूरे फ्रिज में रख दूँगी, फिर अगले नेक्स्ट डे आपको बताती हूँ हमने इसकी कोटिंग में क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमें पूरा एक दिन हो चुका है, एक रात के लिए हमने इसको रख दिया था ड्रम स्टिक को। अब हम इसको इस लिक्विड में से निकाल लेंगे, निकाल के हम एक बर्तन में रख लेंगे इसको, और ये लिक्विड हमने फेंकना नहीं है। अभी इसी लिक्विड से हम बाकी का मेथड करेंगे, आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इसको साइड में कर लेंगे। हमने मैदा ले लिया है, ये मैदा हमने ले लिया है, आप 1 किलो के करीब मैदा ले लीजिएगा। हमें मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है अगर आप अच्छी बनाना चाहते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर, नॉट अ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है कि हम कोटिंग करते जाएंगे और डालते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोटिंग इसलिए बोल रही हूँ मैं, कोटिंग करते जाएंगे डालते जाएंगे कि इसको आपने रखना नहीं है, इसको हाथ के हाथ कोटिंग करनी है। चले मैं, मेरी कोटिंग ज़रा गौर से देखिएगा आप। ये एक हमने लेग पीस ले लिया और इसको हमने पहले कवर किया और फिर इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया मैदे में। ये देखें, ये आपने कम से कम 2 से 3 मिनट इस तरह से करना है, तब जाके आपकी ये लेग पीस जो है ना, इसके अंदर क्रम्स बनेंगे। देखिए, मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है आपने। मैं एक की दिखा देती हूँ और बाकी मैं बात नहीं करूँगी, आपके सामने एक दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे बनेंगे। अभी देखें, ये देखें, इसमें लाइट लाइट से क्रम दिख रहे होंगे आपको, अभी ये दिख रहा है आपको। अब इसको उसी बैटर में मैं मिक्स करूँगी, ये देखें, हम वापस वो बैटर ले आते हैं, उसमें डालूँगी। ये देखें, इसको अच्छे से हमने इस बैटर में कोट किया, पानी में करते हैं, कोल्ड वाटर में, लेकिन हमारे पास जब ये बैटर है और ये ठंडा है, ये फ्रिज में ही रखा हुआ था, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो ये देखें, अब अगेन वही मेथड, लेकिन दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो रहा है, तेल को हमने प्री हीट रखना है। आपने इस बात का ख्याल रखिएगा, हाँ, आप ये ना सोचिएगा कि ड्रम स्टिक गलेगी नहीं, तो हम सिलो आँच में डालें ताकि ड्रम स्टिक गल जाए। अगर आप सिलो में डालेंगे तो सारी आपके जितने भी क्रम्स हैं सब ख़राब हो के निकल बिखर जाएंगे। ये आपने तेज़ में डालना है, जब थोड़ी ग्रिप आ जाए तो फिर आपने बेशक फ्लेम सिलो कर देनी है। ये देखें, ये देख रहे हैं आपको क्रम्स, ये है क्रम्स, इसको अच्छे से झाड़ लें, ये देखें। और हम आप इसको फ्राई के लिए डाल देंगे, हमारा ऑयल प्री हीट है, ये देखें। चलें, मैं बाकी की कोटिंग करती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चारों ड्रम स्टिक हो चुकी है। मैंने इसको डाल के वन बाय वन साइड चेंज करती रही थी मैं 7 से 8 मिनट के वक्फे से। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये होने ही वाली है, बस इसको मैं मज़ीद 3 मिनट दूंगी, उसके बाद डिश आउट करूंगी और आपको दिखाऊंगी। अभी से आप देख रहे होंगे इसकी क्रिस्पनेस बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, बहुत ज़बरदस्त हमारी ड्रम स्टिक रेडी हो रही है, क्रिस्पी फ्राइड लेग पीस, बहुत ज़बरदस्त। जी फ्रेंड्स, हमारी ड्रम स्टिक में बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये जो है मैंने बहुत पहले, सबसे पहले यही डाली थी, इसलिए थोड़ा इसका डार्क कलर हो चुका है। हम वन बाय वन उतारते जाएंगे अपनी ड्रम स्टिक्स, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप लोग एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सारी ड्रम स्टिक निकाल ली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सी रेडी हुई हुई हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।